Welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend, and guide. This class all about learning and teaching. Yes, the learning and teaching is paper ke kaun se questions hai jo hume karne hai paper mein taki un questions ko karke jaye and we can crack the paper easily. Yes, we're going to discuss lots of things after that. और उससे पहले हमने last video में जो discuss किया था, that was pedagogy of English. I hope pedagogy of English उसको आपने follow किया होगा. Those don't have that particular subject, कोई बात नहीं है, आपके paper भी हम आएंगे जल्दी. तो यहाँ दो तीन चीजें दिमाग में आती हैं. The first thing that how going to be the master of these questions. चलो थोड़ा हिंदी में आते हैं, हमारी लैंग्वेज वही है और लोग बोलते हैं सर प्लीज थोड़ा हिंदी बोला होता चीज समझ आए. तो यार दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बिगनिंग से लास्ट तक जो आपको क्लियर करनी. दैट इज क्वेश्चन कौन कौन से, किन क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने. मतलब ये क्वेश्चन अनलिमिटेड अगर ये ऑन टिप होंगे तो हम हर चीज को कर जाएंगे. तो ठीक है यार वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ऑन टिप होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय फेज ऑफ टीचिंग. आई रिपीट, व्हाट डू यू मीन बाय फेज ऑफ टीचिंग. फेजेस ऑफ टीचिंग, नॉट फेज, फेज ऑफ टीचिंग. उसको क्लियर करना है. डिस्क्राइब इन डिटेल, डिस्क्राइब इन डिटेल. तो पहला क्वेश्चन आ गया फेजेस ऑफ टीचिंग. मैं चाहता था आपको इसको दूसरे डिटेल में बताता, टीचिंग वाले डिफाइन करता, फिर बोलता फेज को क्लियर करो. तो सीधा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू मीन बाय द फेज ऑफ टीचिंग. देन नेक्स्ट वन जो आपको क्लियर करना होगा, डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग. आई रिपीट, डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग. इनमें डिफरेंस को ऑन टिप करना गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, तो ये पेपर में आएगा आएगा. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय थ्योरीज ऑफ टीचिंग. सो व्हाट इज टीचिंग. अब टीचिंग को थ्योरीज में कैसे क्लियर कर सकता हूँ. अब आई एम गोइंग टू डू द थ्योरीज. अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आएगा, एक्सपेक्टेड है. थ्योरीज ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग. सो फॉर्मल, अब समझ आ गया थ्योरी ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है. फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग. द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू नो मॉडल ऑफ टीचिंग. मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है, कैसे क्लियर करते हैं. हमें बिगनिंग से लास्ट तक ऑन टिप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज द ब्रूनो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. आई रिपीट, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. गाइस ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो प्लीज घोड़ के भेजा ना कि यार ये क्वेश्चन मुझे करना है, आई नीड टू डू इट बाय हुक और बाय क्रूक. तो दो तीन चीजें मैंने ज्यादा तो क्वेश्चन बोले नहीं, मैंने कहा फर्स्ट यूनिट से करें. तो फर्स्ट यूनिट में हमें करना था क्या, पहले क्वेश्चन जितने बोले सारे फर्स्ट यूनिट के थे. अब हम आगे सर किस पे, ब्रूनर के कॉन्सेप्ट पे. लेकिन उससे पहले मॉडल ऑफ टीचिंग की बात की. जो मॉडल ऑफ टीचिंग से शुरू हुआ वो क्या, यूनिट टू शुरू. याद है ना डिफरेंशिएशन रखना, मॉडल वन मॉडल टू, दैट इज सेम यूनिट वन यूनिट टू. यूनिट वन के क्वेश्चन अलग है, यूनिट टू के अलग है, थ्री के अलग होंगे, फोर के अलग होंगे, जो आपको प्रिपेयर करने. एक साथ लिख लो तो चॉइस इज योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जिनको समझ नहीं आता, जिनको लगता है सर इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँ. वीडियोज देखिए, सारे सारी वीडियोज मैंने डाली हुई इस चैनल पे. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, सीरियसली नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कर लो यार, आप करो. मैं यहाँ रहूँगा आपके एग्जाम्स तक, आपके साथ रहूँगा. उसके बाद एमएड में भी रहेंगे, एमएड में चीज़ डिस्कस करेंगे. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो गया हमारे पास. व्हाट डू यू मीन बाय द, what do you mean by the structure and characteristics of inquiry training model. Say inquiry training model, what do you mean by this inquiry training model. Say ek question to pehle nahi tha, seriously aapne kisi video mein pehle kabhi nahi bola, to maine pehle bhi kaha tha ye revised course hai yaar. It is the new syllabus for B.Ed students. ab kaun si university sir, MD ki baat karu, CSU ki baat karu, KU ki baat karu, ya CS की बात करूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करूं, सर मैं बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर देता हूं, या मैं बात करता हूं बीएओयू बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर, सब यूनिवर्सिटी में कोर्स ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है. तो यू ऑल कैन फॉलो दिस, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, मेक श्योर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, डिस्क्राइब द ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल. ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है, और टीचिंग मॉडल हमें ऑन टिप होना चाहिए. एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट यू मीन बाय टीम टीचिंग. सर टीम टीचिंग क्या होती है, हाउ टू टीम टीचिंग. पीयर टीचिंग भी होती है, रेमेडियल टीचिंग भी है. ये पॉइंट्स ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स में आते हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे, शॉर्ट नोट में आ जाएंगे और आप लोगों को आने चाहिए. तो आपने कहा सर हम लिख रहे हैं, फर्स्ट थिंग आर यू राइटिंग आइस, मतलब खाली सुनना नहीं है लिखना भी है. ऐसा ही लिखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूनिट नंबर थ्री. यूनिट नंबर थ्री पे आते हैं हमारे साथ, व्हाट इज लर्निंग एक्सप्लेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस. व्हाट इज लर्निंग एक्सप्लेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस. ये हमें ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब लर्निंग क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, ये हमें आना चाहिए.
जंप टू नेक्स्ट वन, पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई, प्लीज मेक श्योर कि आपको आना चाहिए। डिस्कस इन डिटेल द वेरियस मॉडल्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, सर आजकल तो वही चल रहा है, कोविड फेज ने हमें इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सिखा दी, हमने एग्जाम भी वैसे ही दिए सीरियसली, अब वो कैसे दिए उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की बात की। नेक्स्ट वन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म, 100% इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाय हुक और बाय क्रुक कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा कंस्ट्रक्टिविज्म पे, जो आपको आंटी पहुंची। व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस क्या है, कैसे काम करेंगे, कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, इस पे रूल आउट कर लेना है। सर ये क्लियर हो गया, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ब्लॉक का ऑनेस्टली, दैट इज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक। आई रिपीट, दैट इज अ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक, आप बोलते हो सर इसको टीचिंग बिहेवियर कहते हैं। व्हाट डू मीन अ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन टेक्निक ऑफ टीचिंग बिहेवियर, इसको घोड़ के पी जाना गाइस, इसकी वीडियो को देखना, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आंसर को रीड करना, नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिनके पास नहीं हो नोट्स ले सकते हैं, नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए पे करना पड़ता है, जैसे आप करते हो आपको नोट्स मिल जाते हैं, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपने वो ऑन टिप कर लेने। जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रियली दैट हाउ डू यू, आई रिपीट कहता है, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स एंड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हो, कौन से रूल्स ऑब्जर्व करते हैं मैट्रिक्स में हमें आना चाहिए। देन आईसीटी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द यूज ऑफ आईटीसी एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आईसीटी। अब आपने कहा सर ये क्वेश्चन तो पेपर में कन्फर्म आए और हमें आना भी चाहिए, वी नीड टू द मास्टर ऑफ इट, यस यू नीड टू द मास्टर ऑफ इट, आपको एक एक चीज बिगनिंग से लास्ट तक ऑन टिप होनी चाहिए। कम ऑन नेक्स्ट फेज, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, आपने कहा सर इस नेक्स्ट फेज में हमारे पास आते हैं, हमारे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज ब्लॉक नंबर फोर। ब्लॉक नंबर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इवेल्यूएशन, सर इवेल्यूएशन दो तरह की होती है, सर हमारे पास समेट इवेल्यूएशन होती है, सर बेसिकली हम कहते हैं साल के लास्ट में होती है, ठीक है सर, क्या होती है एक पीरियोडिकल होती है, आपने कहा दो चीज़ों को क्लियर करेंगे। इवेल्यूएशन में सर सी सी ई का क्वेश्चन आता है, हाँ कन्फर्म आता है, नो डाउट अबाउट इट कि इवेल्यूएशन में सी सी का क्वेश्चन आएगा, आपको आना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे इवेल्यूएट करेंगे, चीज़ों को हाईलाइट करने। देन व्हाट डू यू नो ओरल इवेल्यूएशन, स्कूल में होता है पहले हमारे स्कूल में टीचर क्या होता है, चलो याद टेबल सुना, चल भाई वो चैप्टर का ये बता इसको, अपने इंट्रोडक्शन देख, ये सारी चीज़ें होती थी हमारे साथ, और हमने बोला ओरल इवेल्यूएशन, जहाँ टीचर चेक करता था, रिटन नहीं होता था बट हाँ ओरल होता था, हमसे सुना जाता था मौखिक, हिंदी में मैंने भी पढ़ा था कभी गलती से। सो कहता व्हाट अबाउट द मीनिंग टाइप स्टेप्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, सही है, ऑब्जर्वेशन इज द पार्ट ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड क्या होता है उसको क्लियर करता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ पार्ट ऑफ दैट, ऑब्जर्वेशन मेथड हमें क्लियर करना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, कहता है व्हाट डू मीन बाय फॉर्मेटिव समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन इन टीचिंग एंड लर्निंग, सर देखो फॉर्मेटिव बोल दिया, समेटिव बोल दिया और डायग्नोस्टिक बोल दिया, उन सबको हमें क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को बताना, वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट को डिटेल में बताएंगे, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। एंड देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजिंग ग्रेडिंग प्रोसेस को कैसे मैनेज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। व्हाट इज कॉन्टिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, आई रिपीट कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, अभी कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये फुल फ्लेश क्वेश्चन मिलेगा, 100% पेपर में आएगा। आपने कहा सर अगर ये नहीं आता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। सो हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर, मतलब मेरे का इस क्वेश्चन को कैसे क्लियर होगा, करने का तरीका क्या होगा, किन को फॉलोअप करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, जब आप लर्निंग एंड टीचिंग की बात करते हो तो लर्निंग एंड टीचिंग में एक ही क्वेश्चन तो लर्निंग और टीचिंग का होगा ही होगा, कि लर्निंग क्या है, लर्निंग का प्रोसेस क्या है, हाउ इट बीन डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, दोनों के डिफरेंशिएशन को क्लियर कर लेना। टीचिंग में टाइप्स ऑफ टीचिंग, मोड्स ऑफ टीचिंग पता होना चाहिए हमें। रोल ऑफ अ टीचर, मेजर क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, रोल ऑफ अ टीचर उस पे प्लीज काम करना, कंफर्म पे अपना क्वेश्चन आएगा। अब लर्निंग कितनी तरह की होती है सर, उसके लर्निंग के टाइप्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। अब आपने कहा टीचिंग में प्रोसेस आ गया सर, टाइप्स ऑफ टीचिंग, मोड्स ऑफ टीचिंग, फेज ऑफ टीचिंग, इनको हाईलाइट किया आपने। अब आप जब इस पेपर की प्रिपरेशन करते हो, हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर दिस पेपर, मतलब यार पेपर को तैयार करना है तो पहले क्या करो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बता दें कि यार ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के चारों तरफ घुमा लो कि आपने इन क्वेश्चन को क्लियर करना है और इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है।
वो इनको लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करो। ऑनलाइन पेपर नहीं है भाई, ऑफलाइन पेपर है, आपको जाके लिखना है, तो तैयारी शुरू कर लो। आपने कहा सर पैटर्न एग्जाम क्या रहेगा? पैटर्न एग्जाम सिंपल रहेगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास, चार शॉर्ट क्वेश्चन में चार चार नंबर के, उसके बाद चार क्वेश्चन में 16-16 नंबर के, तो 80 नंबर का पेपर है, पांच क्वेश्चन में 16 नंबर के टोटल, जो आपको करने ही करने। तो गाइस जस्ट फॉलो दिस, किसी तरह कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स थोड़ा भाई, राइट ऑन यूर कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। We'll be right back.